मैं क्या अवेयरनेस करना चाहते हो बच्चों, मैं क्या अवेयरनेस करना चाहते हैं? हमने जब कल देखा कि मंडी में पॉजिटिव केसेस आए हैं लसाना में या बाकी जगहों पे, तो हमने स्कूल की तरफ से रिक्वेस्ट की थी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ को, बीएमओ मैम को रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने आज हमारी रिक्वेस्ट पे अपना स्टाफ यहाँ भेजा था। सुबह से ये टेस्टिंग का सिलसिला चला और इसमें हमारे जो 16 स्टूडेंट्स और 2 स्टाफ मेंबर्स जो हैं वो रैपिड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। यहाँ जो हमारा आरटीपीसीआर था वो किसी का नहीं किया गया है, तो ये एक एतवार से हम शुक्रिया अदा करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट का कि बर वक्त उन्होंने टेस्टिंग की और जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे थे उनमें अवेयरनेस पैदा हुई है, वो अपने प्रिकॉशंस लेंगे। उनको साथ साथ इस मौके पर हमने रिक्वेस्ट की थी तहसीलदार, नायब तहसीलदार सादियाँ जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, उनके प्रेजेंस में ये सारा प्रोसेस इसीलिए कम्प्लीट किया। उसके बाद जो पॉजिटिव बच्चे थे स्पेशली हमने उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया कि ये क्या है, कैसे है, वो कैसे अपना ख्याल रखें, खाने पीने में क्या एहतियात करें, कैसे आइसोलेशन करें। और तहसीलदार साहब ने हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बात करने के बाद इंश्योर किया है कि अगर फर्स्ट एड के लिए उनको दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी तो उनके डोर स्टेप पर वो पहुँचाई जाएंगी। तो ये बाकी भी लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जिनको कुछ सिम्टम्स नज़र आते हैं, ऐसे खांसी हो रही है या नज़ला ज़ुकाम महसूस हो रहा है या बुखार महसूस हो रहा है, तो उनको भी चाहिए कि वो अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि हम सभी स्टाफ मेंबरान ने टेस्ट करवाया, जितने बच्चे आज आए हुए थे सबका टेस्ट हुआ। तो ये टेस्टिंग हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता चल जाता है बर वक्त कि इसके सिम्टम्स मौजूद हैं, हम अपना इलाज कर सकते हैं, इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। तो होपफुली 5 दिन के बाद इन सभी बच्चों का आरटीपीसीआर किया जाएगा और उसके बाद बाकी कार्रवाई होगी। रिस्पेक्टेड डीसी साहब को और चीफ एजुकेशन ऑफिसर साहब को अकॉर्डिंगली उसी वक्त इन्फॉर्म कर दिया गया है। जो बाकी प्रिकॉशंस बड़े लेवल पे लेने हैं वो अहकाम उनकी तरफ से जारी हो जाएंगे। सर सुनने में आया 2 टीचर भी आया इसमें? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया ना कि 16 बच्चे और 2 स्टाफ मेम्बर्स। शुक्रिया, वो मैंने पहले बताया। शुक्रिया।